पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय जाने से पहले राजनीति हुई और उनके जाने के बाद राजनीति थमी नहीं है। शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी और आरएसएस के करीब आने पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है? शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस 2019 में मुखर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर सकता है। शिवसेना एनडीए में है लेकिन नाराज रहता है। फिर भी इसमें नई बात यह है कि पहली बार किसी ने 2019 में मोदी के विकल्प के तौर पर किसी का नाम उछाला है। 7 जून को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुखर्जी को आमंत्रित करने का आरएसएस का एजेंडा 2019 के आम चुनावों के बाद स्पष्ट होगा। प्रणव बाबू को अपने मंच पर बुलाया, एक वक्ता के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर, तो उनके मन में कुछ ना कुछ भविष्य के बारे में, राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ उनकी सोच हो सकती है। शायद 2019 में लोकसभा त्रिशंकु रही, बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिल सका और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई साझा उम्मीदवार अगर नहीं मिल पाया है तो शायद प्रणव बाबू का नाम नेशनल कैबिनेट बनाने का नेतृत्व करने के लिए आ सकता है और उसकी तैयारी आरएसएस की तरफ से शुरू हो गई है, ऐसा मुझे लगता है, हमें लगता है। प्रणव बाबू का ऐसा नाम है कि प्रणव बाबू को इस देश में कम से कम विरोध होगा उस वक्त, अगर कोई राहुल गांधी को नहीं चाहता है, कोई और किसी को नहीं चाहता है, बीजेपी अपना समर्थन नहीं जुटा पाई, किसी भी हालत में बीजेपी के 110 सीट तो कम हो रहे हैं, तो 110 सीट का घाटा कहाँ से भरेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हम कोशिश करेंगे लेकिन ये घाटा कहाँ से भरेंगे, ये प्रश्न है। ऐसे माहौल में, स्थिति में प्रणब बाबू का नाम आगे आ सकता है। और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो कि अपने पिता के आमने सामने वाली स्थिति में आ गई है, उन्होंने इसका खंडन किया है। वो कह रहे हैं कि श्रीमान राउत मेरे पिता राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद सक्रिय राजनीति में फिर नहीं आने वाले हैं। शर्मिष्ठा ने ट्विटर पर यह बात कही है। उन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद वो सक्रिय राजनीति में फिर नहीं आएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।